आपको बता दें अब तक जो पूर्व अनुमान लगाया गया था उसके मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा और धूप तेज धूप निकलती रहेगी। इससे तापमान और उमस में बढ़ोतरी की भी संभावना जताई गई थी, लेकिन अचानक से मौसम का रुख पलटा है। पूर्वांचल से लेकर मध्य यूपी तक के कई जिलों में आज सुबह से ही मौसम बदला नजर आ रहा है। मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक कल दोपहर तक प्रदेश के लगभग 15 जिलों में हवा के तेज झोंकों के साथ बारिश की संभावना है। कुछ जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, लेकिन कुछ जिलों में हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे भी संभावित है। इस दौरान आपको बता दें ज्यादातर जिलों में हल्की बारिश होगी, लेकिन कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी और हल्की से मध्यम बारिश होगी वो जिले हैं हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, बांदा, रायबरेली, प्रतापगढ़, अमेठी, प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर और सोनभद्र। चलिए जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो आपको बता दें इसके अलावा लखनऊ और आसपास के जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के साथ कल दोपहर तक बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने जिन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है वे जिले हैं लखनऊ, उन्नाव, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, प्रयागराज, भदोही और मिर्जापुर। आपको बता दें इसी बीच एक और खबर आ रही है कि आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। आंधी बारिश के समय इन जिलों में लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है। कच्चे मकानों को नुकसान की आशंका है। इसके अलावा आकाशीय बिजली गिरने के खतरे के भी प्रति लोगों को आगाह किया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य यूपी में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, लेकिन पश्चिमी यूपी के जिलों में मौसम खुला है। अभी तक के मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अगले 24 घंटों में पश्चिमी यूपी में बारिश की कोई संभावना नहीं है। इसी बीच आपको बता दें कि दूसरी तरफ मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती सिस्टम बन रहा है। इसका असर प्रदेश के पूर्वांचल के जिलों में देखने को मिल सकता है। आपको बता दें बहुत जल्द प्रदेश के ज्यादातर जिलों में इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। वीडियो के आखिर में आपको बता दें कि अगले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मध्य हिस्सों और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ एक दो स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ मध्यम बारिश हो सकती है। इसके साथ ही मौसम विभाग का अलर्ट है कि यूपी में एक दो दिन तक धमाकेदार बारिश होगी। मौसम के बारे में जानकारी देने वाली निजी क्षेत्र की संस्था स्काईमेट के अनुसार इस वक्त दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश से सटे हिस्सों में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। आपको बता दें मौसम विभाग IMD ने जानकारी देते हुए कहा कि कम दबाव के क्षेत्र के चलते अगले 24 घंटों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताजातरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।